एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि मोदी सरकार अब वक्फ बोर्ड को लेकर तगड़ा कानून लेकर आ रही है। जानकारी के लिए बता दें कि वक्फ बोर्ड बताकर जमीनों पर कब्जा करना अब मुश्किल हो जाएगा। मुसलमानों की नींद उड़ गई है, कट्टरपंथियों की नींद उड़ गई है, और जमीनों पर अवैध कब्जा करने वाले बेहद परेशान हैं, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये साफ है कि मोदी सरकार एक ऐसा बिल लाएगी जहां वक्फ बोर्ड की संपत्ति, यानी कि वक्फ बोर्ड के नाम पर जो संपत्ति हड़पी जाती है, जो अवैध होती है, उसे नहीं हड़पा जा सकेगा। ऐसा बिल अब आने वाला है जिस पर अब ओवैसी भड़क गए हैं। क्या कुछ बोले असदुद्दीन ओवैसी, ऐसा कौन सा बिल ला रही है मोदी सरकार, चलिए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट। वक्फ बोर्ड पर मोदी सरकार का प्रहार, ओवैसी को लग गई भयंकर मिर्ची, मोदी सरकार पर लगा दिया गंभीर आरोप। जानकारी के लिए बता दें कि मोदी ने खाई वक्फ बोर्ड को खत्म करने की कसम, चिल्लाने लगे फिर हैदराबाद ओवैसी, मच गया हड़कंप। जी हाँ, जो वक्फ बोर्ड देश की सबसे ज्यादा जमीन अपने पास रखने में तीसरे स्थान पर है, जो वक्फ बोर्ड अपने मनमाने ढंग से जब जहां चाहता है अपनी संपत्ति होने का दावा करता है, जिस वक्फ बोर्ड के मामले की सुनवाई कोर्ट में नहीं हो सकती, अब उसी वक्फ बोर्ड की कब्र तोड़ने की तैयारी मोदी सरकार ने कर ली है, जिसके बाद कट्टरपंथी परेशान हो गए हैं। दरअसल वक्फ बोर्ड संशोधन को लेकर एक नया अपडेट सामने आया। ये बिल सदन में कब आएगा, कब पेश किया जाएगा, इसकी तारीख अभी तय नहीं की गई, लेकिन उससे पहले ही हंगामा बरपा है। मौलवी, मौलाना और मुस्लिमों के नेता मोदी सरकार पर हमला कर रहे हैं। इसी कड़ी में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी सरकार को घेर रहे हैं और मुस्लिमों को भड़काते हुए ये बता रहे हैं कि वक्फ की संपत्ति मुसलमानों से छीनने का प्रयास किया जा रहा है और ये संशोधन बिल धार्मिक मानवता के खिलाफ है। सरकार ने ये बिल मीडिया में लीक क्यों किया ये नहीं पता। चलिए आपको सुनाते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी क्या बोले। सेशन में है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी और प्रिविलेजेस के खिलाफ ये काम करते हुए मीडिया को इन्फॉर्म कर रही है और पार्लियामेंट को इन्फॉर्म नहीं कर रही है। पार्लियामेंट जब चल रहा है तो सरकार का काम ही है कि इमीडिएटली आप पार्लियामेंट को इन्फॉर्म करते, बजाय इसके कि आपने मीडिया को लीक किया। अब जो मीडिया ने रिपोर्ट किया उसकी बुनियाद पर मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो प्रपोज अमेंडमेंट से जो मीडिया में जो लिखा गया है वो इस बात को बताता है कि मोदी हुकूमत वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी को छीनना चाहती है और वो इंटरफेयर करना चाहती है वाकिफ के मंशे के खिलाफ कि किस तरह से उस वक्फ की प्रॉपर्टी को चलाया जाए। और ये खुद फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ है, नंबर वन। दूसरी बात यह है कि बीजेपी शुरू से वक्फ बोर्ड्स और वक्फ की प्रॉपर्टीज के खिलाफ रही है और इनका एक हिंदुत्व का एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा है कि वो शुरू से वक्फ प्रॉपर्टीज को और वक्फ बोर्ड को खत्म। बिल में कुल 40 संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं। किसी भी नई संपत्ति पर दावे से पहले उसका सत्यापन होगा, हर पुरानी संपत्ति का भी सत्यापन होना अनिवार्य है। वक्फ संपत्तियों की निगरानी का अधिकार जिला मजिस्ट्रेटों को भी होगा। वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित नहीं कर पाएगा। अब जब सरकार वक्फ पर एक्शन लेने को तैयार है तो ओवैसी जैसे लोगों के पेट में दर्द हो उठा है, लेकिन जब वक्फ को कांग्रेसी सरकार में मजबूत किया गया तब इन सबको कोई दिक्कत नहीं हुई, सब खामोश बैठे थे और खूब अच्छी तरीके से वक्फ के नाम पर जमीनें हड़प रहे थे। बहरहाल 1954 में पीएम नेहरू ने वक्फ अधिनियम पारित कर इसका केंद्रीयकरण भी किया। 1995 में नरसिम्हा राव सरकार ने वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां दी। वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति पर अपना दावा करेगा तो उसे उसकी संपत्ति माना जाएगा। 2013 में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस सरकार ने वक्फ एक्ट में संशोधन करके और अधिकार दिया। 2013 में कांग्रेस सरकार ने वक्फ बोर्ड के खिलाफ सिर्फ उन्हीं के ट्रिब्यूनल में सुनवाई होगी ये कहा और किसी अदालत में सुनवाई नहीं होगी ये ऐलान किया।
देश में सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन अगर किसी पर है तो वो है वक्फ बोर्ड। जी हाँ, जब कांग्रेस वक्फ बोर्ड को ताकतवर बना रही थी तो ना ओवैसी वोट करने आए ना कोई मौलाना, लेकिन जब मोदी सरकार वक्फ बिल को संशोधन में ला रही है तो तमाम कट्टरपंथी मौलाना ओवैसी और जमीन हड़पने वालों के पेट में दर्द उठने लगा है। कुछ कट्टरपंथी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी मुसलमानों की जमीन छीन लेंगे, लेकिन अगर मोदी सरकार ने ठाना है तो ये बिल लाया ही जाएगा। ऐसे में इस पर आपका क्या कहना है ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी ताजा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहें अपना उत्तर प्रदेश।